अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोबिया इन द किचन। आज मैं आपके साथ डेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट और बहुत ही इजी केक की रेसिपी, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट केक बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, डेट्स आपको चाहिए होंगी यानी कि खजूरें आपको चाहिए होंगी। मेरे पास यहाँ पे 1 कप सुकरी डेट्स हैं, आप कोई भी डेट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने 1 कप लेनी है और उनकी जो है वो आपने सीड्स रिमूव कर देनी है और उनको आपने 1 कप ही जो है वो वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी में इनको आपने सोक कर देना है 5 मिनट्स के लिए। और साथ ही आपको ऑयल चाहिए होगा 1/2 कप की जितना, 2 एग्स चाहिए आपको रूम टेम्परेचर पर और 1 कप मैदा आपको चाहिए। और चीनी आपको चाहिए होगी 1/4 कप यानी कि 1/4 कप चीनी आपने देख के ऐड करनी है क्योंकि डेट्स भी जो है वो स्वीट होती है। साथ में बेकिंग पाउडर आपको चाहिए 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा आपको चाहिए 1/2 टीस्पून और इलायची पाउडर आपको चाहिए 1 टीस्पून, सिनेमन पाउडर आपको चाहिए 1/2 टीस्पून यानी कि डार्क चीनी का पाउडर और वलीना एसेंस आपको चाहिए 1/4 टीस्पून। और साथ में आपको बेकिंग पैन चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे जो है वो बंट बेकिंग पैन यूज़ कर रही हूँ 1 लीटर का। आप इसकी जगह जो है वो नॉर्मल केक पैन भी यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है वो आपने अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। और आपने जो है वो साथ ही अवन को भी जो है वो प्रीहीट होने के लिए ऑन कर देना है 180 डिग्रीज पे। तो चले अब हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाउल में आपने ऐड कर देने हैं एग्स और साथ ही इसमें आपने ऐड कर देनी है चीनी और वलीना एसेंस और इनको जो है वो आपने अच्छे से मिक्स करना है 50-40 सेकेंड्स के लिए। और अब आपने इसमें ऐड कर देना है ऑयल और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम जो है वो डेट्स का पेस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए आपने जो है वो सोखी डेट्स को विद वाटर के साथ ऐड कर देने हैं ब्लेंडर में, साथ ही आपने इलायची पाउडर और दालचीनी का पाउडर ऐड कर देना है और उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से ब्लेंड हो गया है, स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। ये आपने अब इस मिक्सचर में ऐड कर देना है और उसको जो है वो आपने अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो मैदा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। इन तीनों को जो है वो आपने अच्छे से छान के ऐड करना है और फिर आपने जो है वो उसको मिक्स करना है जस्ट इतना कि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से कंबाइन हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं केक का बैटर जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको जो है वो ग्रीस हुए हुए बेकिंग पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आपने जो है वो पैन को अच्छे से टैप करना है ताकि एयर बबल्स जो है वो रिमूव हो जाए। अब हम इसको बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में 180 डिग्रीज पे 35-40 मिनट्स के लिए। तो चलो अब हम इसको बेक करते हैं। तो आफ्टर 35 मिनट्स केक जो है वो बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपने स्क्यूअर्स चेक करना है, क्लीन आया, दैट्स मीन केक जो है वो बेक हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़े का जो है वो हमारा डेट केक रेडी है। तो मैंने जो है वो उसको होममेड कैरमल सॉस के साथ और डेट्स के साथ जो है वो डेकोरेट किया है। आप इसको सिंपल भी ऐसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और इस होममेड कैरमल सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, उसकी वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो अब हम केक को कट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने मज़े का जो है ये केक बन के रेडी हुआ है। तो चले अब हम केक को जो है वो टेस्ट भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस, कितना सॉफ्ट एंड मॉइस्ट ये केक बना है और कितनी क्विक एंड ईजी रेसिपी है। बहुत ही मज़े का ये जो है केक बनता है, इतना मज़े का ये फ्लेवर है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें स्पेशली इस विंटर में और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस रेसिपी का फीडबैक मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सोबिया इन द किचन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।